फिरोजाबाद के थाना उत्तर क्षेत्र जमुना नगर रैना निवासी गोरेलाल का 7 वर्षीय पुत्र राम बाबू 8 सितंबर को गायब हुआ था। उसका शव कल सुबह राजा के ताल के पास कुएं में मिलने से खलबली मच गई। परिजनों ने गुस्से में आकर जिला अस्पताल के सामने जाम लगा दिया। मौके पर पहुंचे सीओ सिटी डॉक्टर अरुण कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारियों ने परिजनों को शांत कराया। जिला अस्पताल में पिता गोरेलाल ने बताया कि उसके पुत्र को बुआ का लड़का 8 सितंबर को ले गया था, तब से उसका कोई सुराग नहीं मिला। अब वह कहते हैं कि उन्होंने उसे किसी 2 आदमियों को दे दिया था। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। थाने दूतर पे एक एफआईआर दर्ज की गई कि इसमें 7 साल के बच्चे राम बाबू को यहाँ से कोई भटका ले गया है या दिल्ली में चला गया है। तो इस संबंध में जब योजना की गई तो पता चला कि वादी है गोरेलाल, उनके परिजन ही इसमें शामिल है। एक व्यक्ति दूसरा है लेकिन परिजन है उनके, इनमें शामिल है। बच्चे को गोलगप्पा वगैरह खिलवा करके ले गए और मेन मकसद इनका अपहरण का था, क्योंकि ये गरीब थे, इनको ये आइडिया भी नहीं था कि बच्चे का अपहरण चुनौती है हो सकता है। लेकिन बाद में जब पता चला, जब खुलासा हुआ तो ये पता चला कि जो इसमें अभियुक्त है, इनके 3 परिजन मतलब रिश्तेदार हैं। एक तो सगा फुफेरा लड़का ही है, फिर उसकी मौसी का लड़का है, इस तरह से ही उन्होंने उनको ये मालूम था कि इनके पास 18 बीघे जमीन है, एक लौटा लड़का है। तो निश्चित तौर पर अगर इसको हम ले जाएंगे और फिरौती के लिए अगर मांगेंगे तो हमको पैसा मिल जाएगा अच्छा खासा। लेकिन चूंकि लड़का परिचित था, पहचानता था इन लोगों को, तो इनका ये था कि ले जा करके ही उसको तत्काल ले जा करके ही बच्चे को मार दिया, मार करके कुएं में डाल दिया। पुलिस ने बड़ी तत्परता से त्वरित कार्रवाई करते हुए कल ही शाम को FIR हुआ और रात भर मेहनत करके लोगों को अरेस्ट कर लिया। चारों लोग पकड़ गए हैं, बच्चे के लिए बड़ी बरामद की गई है। बाकी और भी इस पर कार्रवाई की जाएगी, निश्चित तौर से मैं निश्चित की कार्रवाई करूँगा।